आज की ये वीडियो है वन प्लस के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। वन प्लस अपने 9 सीरीज़ के फ़ोन्स लेकर आ रहा है 23 मार्च को। हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू चेंजेस की और क्या एक्सपेक्टेशन होंगी इन फ़ोन्स से। देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस के 9 सीरीज़ के फ़ोन्स जो कि लॉन्च हो रहे हैं 23 मार्च को। एक मेजर चेंज जो वन प्लस बहुत एडवर्टाइज कर रहा है वो है हैसलब्लैड की पार्टनरशिप, यानी कि वन प्लस ने हैसलब्लैड के साथ कैमरा सिस्टम्स के लिए पार्टनरशिप करी है। पहले मैं आपको हैसलब्लैड के बारे में बताता हूँ ब्रीफ में। हैसलब्लैड एक स्वीडिश कंपनी है जो कि काफ़ी फेमस है अपने कैमरा सिस्टम्स के लिए और कैमरा मैन्युफैक्चरर है और बहुत फेमस है। इनके कैमरास बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ये एक बहुत फेमस फोटोग्राफ के लिए फेमस है जो है मून पर लैंडिंग की फ़ोटोग्राफ। यस, आपने सही सुना, हैसलब्लैड के ही कैमरे से मून पर लैंडिंग की पहली फ़ोटोग्राफ ली गई थी। तो ये एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है और वन प्लस ने पार्टनरशिप करी है इनके साथ अपने कैमरा सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के। पर जो चेंजेस वन प्लस लेकर आ रहा है अपने कैमरा सिस्टम्स में, मेजर चेंजेस वो हार्डवेयर से रिलेटेड हैं, उनका हैसलब्लैड से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि वो चेंजेस हैसलब्लैड के बिना भी किए जा सकते थे, पर हैसलब्लैड का जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा कलर कैलिब्रेशन और कलर सिस्टम्स पर, जो कि मैंने इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ा, उससे मेरे को पता चला। हालांकि इनके कलर साइंस या कलर कैलिब्रेशंस वगैरह काफ़ी अच्छे थे वन प्लस के 8 सीरीज़ के फ़ोन्स पर उसका मेजर पर उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं अब हैसलब्लैड की पार्टनरशिप के साथ। ये देखना होगा हमें। मैं इस पार्टनरशिप को काफ़ी एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्टनरशिप वन प्लस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। यानी कि वन प्लस कम्पीट कर सकता है आईफोन्स और सैमसंग फ़ोन्स के कैमरा से, और ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा क्योंकि वन प्लस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाता है। हाई एंड फोन्स काफ़ी सही बजट में मिल जाते हैं आपको वन प्लस के। पर इस पार्टनरशिप का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। ये पार्टनरशिप अराउंड $150 मिलियन की है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर भी आ सकता है। यानी कि हैसलब्लैड की ब्रांडिंग को इन फ़ोन्स पर यूज़ करने का जो चार्ज है, जो प्रीमियम है, हो सकता है कि वो कंज्यूमर्स को हमें देना पड़े। तो हो सकता है वन प्लस 9 सीरीज़ के फ़ोन्स एक्सपेंसिव हो थोड़े से और प्रीवियस जनरेशन से। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही ऑसम डील होगी। देखते हैं, 23 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, हमें पता चल जाएगा जल्दी ही। तो हमें दो चीज़ें पता चलेगी, हैसलब्लैड से क्या इम्प्रूवमेंट आया कैमरा सिस्टम्स में और प्राइस डिफरेंस क्या होगा। दूसरा एक प्रोडक्ट जो ये वन प्लस लॉन्च करने वाला है वो है वन प्लस की स्मार्ट वॉच। वन प्लस की स्मार्ट वॉच काफ़ी टाइम से एंटिसिपेटेड थी आने के लिए। लास्ट टाइम भी हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो आएगी, बट नहीं आई, पर होपफुली इस साल वो आ रही है। इसमें जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वेयर ओएस, गूगल का जो ओएस है वॉच के लिए वो, और एक प्रीमियम लुक अलॉन्ग विद प्रीमियम हार्डवेयर। देखते हैं कैसी होती है वॉच। जैसे कि वन प्लस के फ़ोन्स होते हैं वैल्यू फॉर मनी, अगर वन प्लस की वॉच भी वैल्यू फॉर मनी हुई तो धमाका करेगी ये वॉच। इस आने वाले प्रोडक्ट लॉन्च से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ एक शानदार फ़ोन 9 सीरीज़ का, जिसमें कि वन प्लस 9 सीरीज़ या वन प्लस 9 प्रो सीरीज़ बोथ इंक्लूड होंगे, और साथ में एक अच्छी वॉच। देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। देखने के लिए धन्यवाद।